सो हेलो डियर डायनामोंस फैंस, हाउ आर यू? आई होप यू आर सो गुड। सो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो, जिसमें हम यहाँ पे हमारे बोरिस बॉस को डिफीट करने जा रहे हैं। इसकी स्टोरी देखेंगे, इसका गेम प्ले देखेंगे, इजी टिप्स देंगे। तो चलिए इसको डिफीट करते गए। उससे पहले यहाँ पे टीम सेलेक्ट कर रहा है, दो टिडोनिस का यहाँ पे एक जोनिसिस रख रहे हैं। तो चलिए इसकी स्टोरी देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है फाइनली यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन है वो हैच हो चुके हैं, यानी कि डायमंड का जो अंडा है वो टूट चुका है। और गाइस यहाँ पे अब इसकी जो पावर है उसको दिखाने का टाइम आ चुका है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो भाई मैं भी देखना चाहता हूँ इसकी पावर। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस गोल्डन आ गया गाइस 55 लेवल का इसके पास। अभी इसने इसको यहाँ पे इवॉल्व नहीं किया गया, इसके पास है गाइस दो हील स्प्रे और एक एनर्जी जरूर। तो चलिए गाइस इसको डिफीट करते, देखते इसके पास कौन कौन सी पावर हमें देखने को मिलती है और बड़े मजे से हम इसको डिफीट करेंगे। तो गाइस ये गोल्डन टाइप का है गाइस और इसके पास अभी एक ही स्किल होगी, क्योंकि ये अभी फर्स्ट स्टेज में अपने। तो देख सकते हो गाइस इसने एक स्किल यूज करी यहाँ पे डबल क्लॉ, और वो डबल तरीके से हमें देखने को मिली। अभी आप दोबारा देख सकते हो इसको, क्योंकि इसके पास एक ही स्किल है। और गाइस यहाँ पे ये है जो इसके पास एडवांटेज है गाइस डार्क और यहाँ पे डायमंड टाइप के डायमंड्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पे आप इसके अगेंस्ट फायर टाइप का रखना, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल रहेंगे इसके अगेंस्ट। तो आप इसके अगेंस्ट फायर टाइप का यूज़ करना, बाकी इसके पास डार्क टाइप के रहते हैं जिसके अगेंस्ट आप इलेक्ट्रिक या फिर वाटर टाइप के यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहा है यहाँ पे डबल क्लॉ की मदद से, डिफेंस बिल्कुल डाउन कर रहा है। तो हमको अपना डिफेंस पे ध्यान भी देना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट बेस्ट स्किल यूज़ करनी पड़ेगी। तो देख सकते हो गाइस इसने हील स्प्रे सारी यूज़ कर ली है, एनरेज रूट यूज़ कर लिया सारी। अब यहाँ पे गाइस बचता है ये अकेला, अब इसको डिफीट करना थोड़ा इजी होगा, बट ये हमारा डिफेंस है काफ़ी ज़्यादा वीक कर चुका है ऑलरेडी। तो चलिए अब इसको बहुत मज़े से यहाँ पे डिफीट करेंगे। तो भाई यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इरेजियन गए जिसको डिफीट करना चैलेंजिंग होगा, बट यहाँ पे हम इसको डिफीट करेंगे गए। तो देख सकते हो मैं इसका डिफेंस वीक कर रहा हूँ, बट इसका अटैक देख सकते हो पावरफुल हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे है जो गोल्डन एग ने इसका काफ़ी ज़्यादा वीक कर दिया था डिफेंस। तो गाइस यहाँ पे आप देख ही सकते हो डैमेज काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए मैं दूसरे टिडोनिस का यूज़ कर लेता हूँ। इसकी मैं स्ट्रेंथ वीक कर लेता हूँ इरेजियन की, देन मेरे को काफ़ी एडवांटेज मिलेगी। तो भले अब ये अपनी हेल्थ बढ़ा रहा है सक लाइफ की मदद से, बट अभी मैं इसका डिफेंस वीक कर दूंगा तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी एक पावर अटैक करने के बाद। तो देख सकते हो गाइस अभी बहुत मज़ेदार जाने वाला है मैच, यहाँ पे हम बहुत मज़े से इसको डिफीट करेंगे यहाँ पे विदाउट एनी आइटम का यूज़ करें, आप भी कर सकते हो। तो गाइस ख़त्म हो चुका है जैसे मैंने बोला था। अब अगर टिडोनिक्स के पास तो आप अपनी टीम में एक फायर टाइप का रख लेना गाइस, एक यहाँ पे आप रख लेना वाटर टाइप का गाइस, इलेक्ट्रिक टाइप का भी रख लेना, आपको एडवांटेज दिलाएगा ये। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस बहुत मजे से हम इसको डिफीट करेंगे। इसका जो टिडोनिक्स है गाइस हम इसको बहुत ईजिली डिफीट कर सकते हैं, हमारे अभी तीनों डायमंड बचे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत मज़े से हम इसको डिफीट करेंगे। आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है तो आप भी इसीलिए कर सकते हो, इसको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और अगर आपके पास कम लेवल का डायमंड लेवल अप करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मैंने आपको दिया है, वो 4 ट्रिक फॉलो करो, बहुत आसानी से कर लोगे आप। तो गाइस यहाँ पे बहुत मस्त जा रहा है गाइस, यहाँ पे हमने देख सकते हो इसका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया। एक पावर अटैक करते देखते डैमेज कितना है। तो देख सकते हो गाइस डैमेज बढ़ चुका है, मैंने डिफेंस काफ़ी कम कर दिया इसका। और मज़े लेते गए, भले इसने अब हिप्नो लगा दिया गया, यहाँ पे हमारे डार्क टाइप का बचा हुआ है। तो टाटा बाय बाय गए जैसे मैंने बोला था। तो यहाँ पे हमने जीत लिया इसकी बैटल यहाँ पे बहुत मज़े से। आई होप आपने भी इसको डिफीट कर लिया होगा, अभी तक नहीं किया है तो कर लोगे। तो गाइस यहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिल चुके हैं विद 1 लेवल अप स्नैक। तो इसको डिफीट करने के बाद ये वापस आता है, कहता है अमेजिंग गोल टाइप का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हाँ भाई ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फर्स्ट अटैक इतना ज़्यादा अमेजिंग है जो कि डिफेंस भी वीक करता है, तो आगे क्या ही होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। उसके बाद कहता है कि ये जो अटैक है इवन स्ट्रॉन्ग है डायमंड अटैक के अगेंस्ट। तो हाँ भाई वो तो है, मैंने देखा तो डायमंड अटैक के अगेंस्ट भी ये पावरफुल है डायमंड टाइप के अगेंस्ट। और गाइस कहता है नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं इसको इवॉल्व कर चुका हूँगा गोल्डन ड्रैगन में। तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गोल्डन ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी गाइस ये बैटल, आई होप आपको भी पसंद आई होगी। तो ये जो एरिया गाइस काफ़ी बड़ा होने वाला है गाइस ये गोल्ड सिटी का, और गाइस इसके अपडेट धीरे धीरे आते रहेंगे इसी तरीके से, और एक दो अपडेट के बाद फिर यहाँ से क्लाउड हट जाएंगे, फिर हमें न्यू स्टोरी और देखने को मिलेगी और अमेजिंग वो देखने को मिलेंगे सीन। तो वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, और मैं चाहूँगा कि इस बार ये जो जेनिक्स की स्टोरी की तरह इसकी स्टोरी ख़राब ना करे, तो इस पर भी इनको ध्यान देना चाहिए। बाकी आपके क्या सजेशन है, क्या रिव्यू, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप न्यू हो। तो मिलेंगे और भी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।